आखिर तुम करना क्या चाहते हो? इससे कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। मेरे तरफ देखो, ये सब ढोंग बंद करो। तुम अच्छे हो, अच्छा कर सकते हो। तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से तुम्हारे टेस्ट में मार्क कम आए। अब तक जो करना था वो कर लिया। मैंने मेरे दोस्त के साथ बात करके इनके कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में तुम्हारी एडमिशन कर दी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें खुद पता नहीं है तुम्हें क्या करना है। हेलो फ्रेंड, थैंक्स। वेरी नाइस। Photography is all about capturing moments. Hi, myself Robin Jacob. Hi, I'm Nitish.
Nice to meet you, VP. अरे आओ तुम्हारे भी कुछ फोटोज निकाल दूं। अरे नहीं नहीं आप कंटिन्यू कीजिए। अरे मुझसे फोटो निकलवाने के लिए लोग तरसते हैं, इंसल्ट कर रहे हो यार तुम मेरी। चल जाओ। स्माइल करो ना। क्यों कुछ ब्रेकअप हुआ क्या? आपने फोटोग्राफी का कोर्स किया? हाँ, क्यों? नहीं ऐसे पूछ रहा था, क्या आपको पहले से क्लियर था कि आपको फोटोग्राफी ही करनी है? हाँ, बट मैंने वही पहले इंजीनियरिंग की, फिर मुझे लगा कि ये फील्ड है, मैं इसमें खुश नहीं रहा, फिर मैंने फोटोग्राफी का कोर्स किया। हाँ थोड़ी देर हुई पर मैं खुश हूं। अरे यहां पर और कोई प्लेसेस है क्या फोटो निकालने के लिए? हाँ है ना, बहुत है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। अरे नहीं अभी तो मुझे अर्जेंट जाना है। वैसे तुम कहाँ रहते? इसी गांव में। वाओ वेरी नाइस। तो अब तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं जब भी आऊँगा तुम्हें कॉल करूँगा। 9284 6982 8। थैंक यू। हेलो। हाँ नितिन कहाँ हो? घर पे हो। आ जाओ उसी जगह। अरे तुम वो मुझे जगह दिखाने वाले थे ना? हाँ। क्यों तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं मैं आता हूँ। नितिन फिर बात होगी तो मुझे बता सकते हो, जिंदगी में खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बात दिल पे दबा कर मत रखना, ओके? कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। फाइनेंशियल हेल्प चाहिए क्या? क्या बात है, बहुत क्या हुआ नितिन? मेरा एक फ्रेंड है, उसे पेंटिंग करना पसंद है, लेकिन अब उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। अब वो ना तो इंजीनियरिंग ढंग से कर पा रहा है ना पेंटिंग, वो मेंटली बहुत टूट चुका है।
उसकी रैंक अच्छी आती है क्लास में और सब टीचर्स उसको उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी अच्छी रैंक लाएगा। लेकिन अब उसको रियलाइज होने लगा है कि ये फील्ड उसके लिए नहीं है। लेकिन अब उसको छोड़ नहीं पा रहा है, वो मेंटली बिल्कुल टूट चुका है। आपको क्या लगता है उसे क्या करना चाहिए? उसे या तुम्हें? वो लड़का तुम ही हो ना। देखो नितिन, ये डिसीजन तुम्हें खुद लेना होगा। क्या तुम्हें खुशी मिलती है ड्राइंग करने से? हाँ। तो बस वो करो। तुम उस बनावटी खुशी के पीछे मत जाओ। तुम अपने आप को छोड़ नहीं पा रहे। तुम्हें किसी और ने नहीं, तुम्हीं ने खुद को रोक रखा है, और किसी ने नहीं। अपने भीतर से जीना शुरू करो। असली जीवन भीतर से जिया जाता है, बाहर के अनुकरण से नहीं। बाहर का अनुकरण करोगे तो तुम गवाह बनोगे। सब सब गवाह बनोगे। इतने सारे लोग हैं, किस किस की सुनो। कोई कहता है ऐसा, कोई कहता है ऐसा। असली जीवन भीतर से जिया जाता है। यही जीवन। Accept yourself as you are, and that is the most typical thing in the world, because it goes against your training, education, your culture. From the very beginning, you have been told how you should be. Nobody has ever told you that you are good as you are. Don't be obsessed with yourself, but a natural phenomena, self-love is must, a basic phenomena. Only then out of which you can love somebody else. तुम याद करो, कब तुम खुश थे? ये बनी बनाई खुशी के पीछे मत जाओ, ये ज्यादा देर नहीं टिकेगी, अंत में तुम्हें रिग्रेट होगा, मीडियोकर बनकर रह जाओगे। अपने स्वधर्म को चुनो। लेकिन ये सब बाद में करे तुम। भविष्य तुम्हें पकड़े हुए है कि कल ऐसा करूंगा। कल तो आने दो। कल पहली तो बात कभी आता नहीं। कल कभी आते देखा है? जब आता है आ जाता है। और आज को तुम खराब कर रहे हो उस कल के लिए जो कभी आएगा नहीं। और जब आज की तरह कल आएगा भी तो तुम्हारी आदत मजबूत होती जा रही है। रोज रोज आज को बर्बाद करने के लिए ये आदत सघन होती जाएगी, ये यंत्रवत होती जाएगी। आज तुम कल के लिए सोचोगे, कल जब आएगा आज की तरह तब तुम फिर कल के लिए सोचोगे। तुम कल भी यही कर रहे थे, लेकिन जियोगे कब? दो कालों के बीच उलझे तुम जियोगे कब? यह दो कल ही चक्की के दो पार्ट है जो तुम्हें पीस रहे। इनके बाहर आओ।
वो रॉबिन जगह पे रहते हैं। हाँ। वो कहाँ गए? अरे उनकी हार्ट अटैक से कुछ दिन पहले डेथ हो गई। हम ना लाइफ को ग्रांटेड ले लेते हैं, हमें लगता है कल कर लें, पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन कल किसने देखा है? जिंदगी आज है। रिमेंबर, लाइफ इज वन टाइम ऑफर, यूज इट।